आज आपको हम यूपी स्टाइल में मटर का निमोना बनाना बताएंगे। ये हमने कटोरी मटर ले ली है और इसमें हम रफली चॉप करके धनिया, टमाटर, ये है हमारी 5 मिर्चें और थोड़ा सा जीरा, इन सबको एक साथ पीस लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, किसी को कम तीखा पसंद होता है, वैसे निमोना में ज़्यादा तीखापन अच्छा नहीं लगता है। मटर की मिठास चली जाती है और हल्का खटास के लिए हमने इसमें एक टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है। एक कटोरी मटर है, इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा नहीं करना, थोड़ा सा मोटा दरदरा ही रहेगा। ये हमने मटर को पीस लिया है, बहुत ही एकदम पेस्ट जैसा नहीं है, थोड़ा सा। इसमें मैंने 1 चम्मच पानी भी ऐड कर दिया था। अपने इस जार में हमने धनिया, टमाटर, मिर्ची, ये सबको उसी मिक्सी के जार में पीस डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए धनिया, टमाटर, मिर्ची और जीरा जो हम तड़का में डालते हैं, सेम उसी जीरे को इसमें डाल के हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए एक दो टमाटर पीस खड़े रहते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। हमारे लिए आलू फ्राई हो रहे हैं, उसके साथ थोड़े से हम मटर के दाने भी डाल देंगे। आलू हमारे फ्राई होने शुरू हो गए हैं और इसमें हम थोड़ा सा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हमने जो पेस्ट बनाया है उसमें हमने हरी मिर्ची का यूज किया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसमें हमारे मसाले का ये कच्चापन दूर हो गया। देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं और अब हम इसमें जो हमने ये पेस्ट तैयार किया हुआ था, ये जो हमारा पेस्ट है धनिया, टमाटर और मिर्ची का, इसको भी इसमें हम डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब हमने इसमें मटर का पेस्ट डाल दिया है, अब इसको भी हम भून देंगे। ये हमारा भून करके तैयार हो गया, ज़्यादा नहीं इसे भूनना होता है, इसे 3 से 4 मिनट बस। और इसके बाद अब इसमें हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे। इसमें 1.5 चम्मच के लगभग भर कर नमक डालेंगे। इसमें नमक मिला दिया हमने, अब इसमें बॉयल आने देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारे ये आलू पक ना जाए। हाँ, 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये हमारा तैयार हो गया है, ये बनके तैयार हो गया है। इसे हम सर्विंग बाउल में अपने निकाल लेंगे। निमोना इज रेडी यूपी स्टाइल में। एंजॉय।